हमन ला गेहूं के आटा डालना है। और संगवारी हमन बनाथन एकर पकोड़ा, बहुत ही टेस्टी पकोड़ा बनते संगवारी। एक बार आप मन एला बना के खा लू ना तो बार बार बनाऊ बोलू है ना। तो चलो संगवारी स्वागत है आप मन के अपन यूट्यूब चैनल जान जानी सीजी व्लॉग में। और संगवारी अभी बजत है शाम के 5:30 और मैं 5:30 बजे वीडियो की शुरुआत करत हूँ है ना। आज कुछ भी वीडियो नहीं बना हूँ दिन में। तो अभी संगवारी मोला ना कुछ खाए के मन करत है, तो मतलब एकदम टाइम से मन करते है ना कुछ चटपटा खाए के, खाना वाना खाए के मन नहीं करते। कुछ चटपटा कुछ स्पाइसी ऐसे कुछ खाए के मन करते है ना, लेकिन ये तो ड्यूटी गए तो कहीं बाहर जा नहीं सकूँ है ना। ये रहती तो एला बोले रही तो ला दे या फिर चल ऐसे करके। और ये तो आई 10 बजे तो एला मंगा भी सकूँ, कोई मतलब नहीं है, तब तक के मन चेंज हो जाइए ना। तो चलो देखता हूँ घर में अगर कुछ होगी तो वही बना था ना। तो चलो देखते हैं चढ़ के कि घर में का रखा है ना। अगर घर में कुछ मिल जाए बनाने लायक तो कुछ बनाएंगे, तो बने रहो वीडियो में। चलो देखते हैं घर में का है ना है ना। तो संगवारी हो मैं यहाँ किचन में आके ढूंढत रही हूँ कुछ मिली तो अच्छे से कुछ बनाऊँ इसे करके। तो मोला ना मिली से पत्ता गोभी है ना, तो इला ख़राब हो गई का इसे करके कर देखूँ काबर के कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए रखा है। तो इला चेक करत रहूँ तो ऐसे ही पूरा थोड़ा उड़ा दे हूँ चेक करत है ना। तो संगवारी हो एक का बनाऊँ वो आप मन आगे पता चली, तो इला पहले कट कर लेते हैं ना उसके बाद मिलबू। और इमे का का डालूँ वो सब चीज़ अभी मैं यहाँ कट कर लेता हूँ। और एक का बनाऊँ और मैं का चीज़ में डालने वाला हूँ वो आप मल्ला अगर वीडियो स्किप नहीं करूँ ना संगवारी हो तो ही देखे बार मिले। और हाँ एक ही ना मैं एक बार कुछ बनाए रही हूँ तो बहुत जन संगवारी मन है नहीं जान पा रही से कहा रहे कमेंट करूँ इसी करके बोले रहे हो तो नहीं बता पा रही हो। तो चलो आज इला बनाथन और आप मल्ला दिखाथन कि एक का बनाबू है ना। तो बने रहो वीडियो में। और ये मैंने संगवारी हो थोड़ा थोड़ा ना देखो मतलब कैमरा में समझ नहीं आती है थे हाथ से दिखा था फिर भी नहीं आते। इमें ना हल्का हल्का ऐसे लाइनिंग दिखा थे और मतलब फर्स्ट टाइम दिखा थे पत्तों को भी मैं से लाइनिंग होकर वजह से मैं कंफ्यूज हो गई हूँ है ना कि ख़राब हो गया कैसे करके, लेकिन ख़राब नहीं हुए हैं अच्छा है ताज़ा है। ताज़ा तो नहीं बोल सकन खबर 3-4 दिन हो गए लेकिन ठीक है मतलब बनाने लायक खाने लायक है। तो चलो संगवारी बने रहो वीडियो में। पहले ला करते हैं जल्दी जल्दी से कट और इमें जो जो सामग्री डालेंगे वो भी पहले निकाल लेते हैं फिर आप मतलब दिखाऊँ मैं बैक कैमरा से एकदम क्लियर है ना। तो वीडियो वाला अच्छा लगे तो लाइक कर देना संगवारी हो और कमेंट कर देना है ना। तो चलो करते हैं संगवारी हो इला कट और बनाथन काबर के बहुत जोरदार लगा थे भूख तो बने रहो। देखो मैं ले लिया हूँ एक पहले तो मैं एक कटोरा लिया हूँ है ना जे में मोला तैयार करना है आटा गूंद के। और एक गिलास पानी ले हूँ ये हरे गेहूँ के आटा संगवारी हो हल्दी और नमक है ना जितना आप मतलब ज़रूरत है उतना चीज़ मैं आप मतलब क्लियर दिखाता हूँ। और ये संगवारी हो मैं कट कर रहा हूँ प्याज छोटे से, धनिया के पत्ती हल्का से, कच्चा मिर्ची और ये हरे पूरा जो पत्ता गोभी हम ले रहे हैं ना वो पत्ता गोभी है ना। तो संगवारी हो ये पूरा ला ना ए में डाल के पहले मोला मोबाइल रखे के जुगाड़ कर अंदर है ना। ना तो जुगाड़ से मोबाइल रख दे हूँ तो मोला पूरा इलाय में मिक्स करना है ना मतलब पूरा ले एक साथ डालने संगवारी हो अलग अलग में डालना है इसे पूरा ले एक साथ डाल देना है ना। ट्राईपोड लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया संगवारी हो मोला बहुत ज़्यादा जरूरी मोला ट्राईपोड है ना। तो संगवारी हो इमें डाले के बाद ना इमें डालना है हल्दी जेकर ऊपर में ना मैं यहाँ मोबाइल रख दे रही हूँ है ना ये दे ऐसे इला रखे रहो नमक के डिब्बल होकर ऊपर डिब्बल रख के मैं जुगाड़ कर रही हूँ। तो संगवारी हो हमारा ना इमें डालना है। तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो है ना आटा गिर के थोड़ा से थे। तो संगवारी हो एमें ना मैं नमक और हल्दी डाल चुके हूँ। संगवारी हो आप मन नमक अपन हिसाब से डाल सकते हो, कोई कम खाते कोई ज़्यादा खाते है ना, तो मैं अपन हिसाब से डाल चुके हूँ। और संगवारी हो आप मन ना मैं चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो और नींबू भी डाल सकते हो काट के नींबू के रस अगर आप मन के पास है तो, मोर पास नहीं है तो मैंने डाले हूँ। और संगवारी हो ओकर बाद एला हाथ से बहुत अच्छे से इसे दबा के ला मिलाना है इला इतना मतलब करना है संगवारी हो कि पत्ता गोभी और प्याज जो भी कुछ भी है ना और थोड़ा से अपन पानी छोड़ दे है ना। तो चलो पहले ला कर लेते हैं संगवारी हो और बाद में इला मैं पूरा रेडी करे के बाद ही आप मतलब दिखाऊँ संगवारी हो। और पत्ता गोभी अच्छे से कटे नहीं है मुझसे जल्दी जल्दी में है ना, फिर इमें ना संगवारी हो आटा उतना ही डालना है जितना ये ले सके है ना, मतलब आटा ज़्यादा और ये कम नहीं होना चाहिए संगवारी हो, बस इतना आप मतलब आटा डालना है। तो पहले इला मैं दोनों हाथ से मिला लेता हूँ संगवारी हो इला पकड़े बल लगे देख सकते हो आप मन हिला थे और बाद मैं आप मल्ला दिखाती हूँ ना कितना आटा डाले ओला भी मैं आप मल्ला बताऊँ ना। तो देखो संगवारी हो आटा बस इतना ही डालना है आप मल्ला कि
अलग अलग दिखे पत्ता गोभी बना। अब एला पानी डाल के ना संगवारी हो, जैसे बेसन के मन पकौड़ा बनाते हैं ना, है ना, प्याज वाला कांदा भजिया जेला बोलते हैं, एला बस उतना ही गीला करना है। आप मैं गीला करे के बाद भी दिखाऊँ संगवारी हूँ तो ज़्यादा नहीं डालो। मैं एक कटोरी आटा ले रहा हूँ, वहाँ से इतना आटा बच चुके हैं, इतना से बस आटा डाले हूँ, है ना। यदि आप मन देख सकते हो कि आटा कितना है, है ना, मतलब एकदम आटा ज़्यादा नहीं लेना है संगवारी हो। एक तरह से आप मन बोल सकते हो कि मंचूरियन वाला जैसे तैयार करते हैं ना मंचूरियन के लिए डो, वैसे तैयार करना है ला भी। लेकिन संगवारी हो फ़र्क इतना ही है ना कि एमे हमला गेहूं के आटा डालना है और मंचूरियन में मैदा डालते हैं और कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना, तो वो दो चीज़ें में हमला नहीं डालना है, एमे हमला गेहूं के आटा डालना है। और संगवारी हमन बनाते हैं एकर पकोड़ा, बहुत ही टेस्टी पकोड़ा बनते संगवारी। एक बार आप मन एला बना के खा लू ना तो बार बार बनाऊँ बोलूँ, है ना। तो चलो संगवारी एला पहले आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप मला मैं दिखाऊँ कि आटा ला कितना गीला करना है ना। ना तो संगवारी हो एला बस इतना गीला रखना है, ये दे है ना पकौड़ा के आटा जितना, ये दे बस इतना ही करना है संगवारी हो। तो चलो एला तले के प्रोसीजर की तरफ चल थन, है ना। तो संगवारी हो पहले मोर हाथ ला मोला क्लीन करन धरो, ओकर बाद मैं आप मला गैस में कढ़ाई मड़ाए के बाद ही मिलता हूँ। तो संगवारी हो देखो तेल गरम होते है ना, मेरे तेल हर रेंगा थे, मन पहले रेंगा थी इसे कहाँ से गर्म होते हो भी ना, तब मैं रेंगा थी इसे कहाँ। और हमारा डो भी तैयार है तो पहले चेक किया जाए तेल गरम हुआ है कि नहीं, है ना। तो हल्का से तो तेल गरम हो गई है, तो हमारे पास ऐसी इला छोटे छोटे डालना है संगवारी हो। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में ऐसी जमत नहीं है। तो चलो संगवारी हो रुको, मैं यहाँ बने के बाद आप मैं देखूँ, है ना। तो संगवारी हो देखो मेरा पकौड़ा तला थे ना, बने के बाद एकदम ज़्यादा टेस्टी लगते संगवारी हो, क्रिस्पी रहते हैं, मस्त करंची, मज़ा आ जाते खाए में, है ना। तो चलो संगवारी हो पूरा जब बन जाए ना, एक साथ चटनी भी बनाऊँ मैं, चटनी भी तैयार हो जाए और चाय भी पीऊँ मैं, दूध की चाय बनाऊँ। वैसे मगर डेली काला चाय बनते हैं, आज दूध की चाय बनाऊँ, और सब कुछ रेडी करके बाद मिलता हूँ मैं आप मन के साथ, है ना। तो संगवारी हो देखो हमारे पकौड़ा बन के तैयार हो गए हैं ना, वो भी चटनी के साथ। और संगवारी हो हमन खा चुके हैं, है ना, मैं हम वीडियो नहीं बना पाऊँ बने के बाद, ओका रीजन है कि मौसी आ गई रही से, है ना। तो ओला दे हूँ मैं टेस्ट करके बता कैसे लगा था इसे करके, तो खात खात बातचीत करत वीडियो नहीं बना पाऊँ, है ना, और बहुत टेस्टी लगा थे बोला तरी से। और इतना वाला मोर पतिदेव के लिए रखे हैं, वैसे तो ठंडा के बाद वो नहीं खाए लेकिन फिर भी रख दे हूँ, और कितना अच्छा लगा देखो, है ना। ये मैं रखे हूँ हॉट पॉट में ताकि थोड़ा सा गर्म रहे इसे करके। तो संगवारी हो आज की वीडियो यहीं तक के रखता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगी सही तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो संगवारी हो मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।